ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में। और अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंगी जी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की, और संचिता जी से जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज राशिफल में। मेष राशि, आपसे शुरुआत करते हैं जी। जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए सबसे पहले हम एक कार्ड निकालते हैं हमारे टैरो में। तो आज का जो दिन है इसमें जो है ये करियर से रिलेटेड कार्ड आ रहा है इनका, कि जो भी काम ये कर रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं आज के दिन, कि इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आज जो भी ये कर रहे हैं काम, इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से ही कर रहा हूँ और पूरा 100% दे रहे हैं। तो इनका जो करियर है उसमें ये स्टेबिलिटी का कार्ड आ ही रहा है, कि उसके साथ साथ अगर आप घर संभाल रहे हैं तो उसमें भी जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो फुल कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि आपसे अच्छा कोई और नहीं कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है आज के दिन। जो है मैं आपको बोलूँगी लाल रंग आपके लिए अच्छा रहेगा जी। तो लाल रंग आपके लिए अच्छा है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कीजिए और जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वृषभ राशि, अब आपके लिए जानते हैं जी। तो इनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है ये भी एम्परर का कार्ड आ रहा है, और चार नंबर का जैसे हम कार्ड बताते हैं, और यहाँ एक कुर्सी है जिसके जैसे हम देख सकते हैं कुर्सी के चार पाए होते हैं। तो जो चार नंबर है वो आज आपके लिए वैसे ही लकी रहेगा। उसके साथ साथ मैं बोलूँगी स्टेबिलिटी जो है आपकी लाइफ में जल्द ही आती हुई नज़र आ रही है, कि इसका मतलब ये है कि बहुत समय से जो परेशानियाँ आ रही थी वो है दूर होती जा रही है, और जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वैसे एक सेटलमेंट, एक जैसे सेटलमेंट का भी कार्ड होता है, आप सेटल डाउन हो सकते हैं, कोई बिजनेस में सेटल हो सकते हैं या शादी में सेटल होने का होता है। तो स्टेबिलिटी जो है वो आपकी लाइफ में जल्द ही आ जाएगी। आपके लिए जो मैं बोलूँगी ब्लू कलर अच्छा रहेगा जी। तो ब्लू कलर आपके लिए अच्छा है, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अगर आप चाहते थे तो वो टाइम आ गया है आपकी लाइफ में। आज स्टेबिलिटी आती हुई आपको नज़र आएगी। मिथुन राशि, अब आपके लिए जानते हैं जी। तो इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो इनका कार्ड निकला है ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है, यहाँ पे 10 बने हुए हैं, 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 10 कॉइन्स बने हुए हैं। इसका मतलब होता है धन से रिलेटेड हमारा ये कार्ड है। अगर आप कहीं से आपको पेमेंट आनी थी तो हो सकता है आज के दिन वो आ जाए, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं कोई अच्छा ऑफर आ सकता है, कि आपकी उम्मीद से बेहतर वो हो सकता है फाइनेंस रिलेटेड की बात करें तो। इसके साथ साथ ये हमारा पर्सनल लाइफ का भी कार्ड रहता है, जैसे हमारे दो लोग यहाँ बने हुए हैं, एक कपल बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके कोई रिश्ते की जोड़ने की बात हो रही है, रिश्ते की बात चल रही है, तो वहाँ पे भी अच्छी खबर आपको जल्द ही मिलेगी। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा जी। तो येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ रिश्ते जो हैं वो आपके जुड़ते हुए बनते हुए नज़र आपको आएंगे। और अब आगे की तीन राशियों की बात करते हैं। कर्क सिंह कन्या, सबसे पहले कर्क आपके लिए जी। जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए हम की कार्ड निकाल लेते हैं। तो कर्क राशि के लिए बोल रहा है आज का जो दिन है वो बहुत ही बिजी और हेक्टिक रहने वाला है, कि इसमें बोल रहा है समय का पता ही नहीं चलेगा कि समय कहाँ चला गया। जैसे हम देख सकते हैं ये आदमी जो है ये हाथ में तलवार लिए घोड़े पे सवार निकल चुके हैं, कि आज जो हमने सोच लिया है वो बस करके ही घर लौटना है। तो ऐसे उनके जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम तो बनेंगे ही, पर जो काम समय है वो कहाँ चला जाएगा उसका पता नहीं रहेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी लकी कलर रेड रहेगा जी। और अब आगे की राशि की बात करते हैं। सिंह राशि आपके लिए जी। जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो सिंह राशि के लिए जो बोल रहा है आज का जो दिन है, आपने जो सोच लिया है अब बस आपने, जैसे इन्होंने हाथ में तलवार ले ली है तो वैसे आपने जो है हाथ में तलवार पकड़ ली है, कि अब मेरे को ये काम करना ही है, और अब किसी की सुनने वाले आज नहीं हो। तो यहाँ पर ये जो चीज़ होती है, हम किसी की सलाह नहीं सुनते, किसी का बस जो मन में सोच लिया बस वो करके ही रहना है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी आज का जो दिन है आपके लिए हल्का नीला रंग पहनना चाहिए आपको, कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा रहे, तो हल्का नीला रंग ज़रूर पहनें।
जी, हल्का नीला रंग आपके लिए बहुत सही है, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो दूसरों से अच्छा हो जाएगा। और कन्या राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, जो कन्या राशि के लोग हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी का कार्ड होता है, द स्टार कार्ड, जो सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। इसमें बोल रहा है इतने सारे जैसे सितारे बने हुए हैं कि इतने सारे पोटेंशियल हैं आप में कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कि आप में काबिलियत है कि आप अपने सोच से ज़्यादा कुछ कर दिखा सकते हैं। पर इसमें बोल रहा है पॉजिटिव रहिए। कई बार क्या होता है, हम पॉजिटिव रहते हैं पर कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम होती रहती है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए और जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपना 100% देना चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी नीला रंग अच्छा रहेगा। जी, और ये 6 राशियों की बात हो गई है, आगे की 6 राशियों की बात करेंगे। तुला सबसे पहले आपके लिए जानते हैं। जी, जो तुला राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो तुला राशि के लिए बोल रहा है कि अभी का जो टाइम है, स्पेशली आज का जो दिन है, इसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए। जैसे कि जो भी सिचुएशन आती है, अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से आपको ढालना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से हमारा आगे जाके ज़रूर फ़ायदा होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करने से हमारे नुकसान से बच जाते हैं। तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए कि जो सिचुएशन आपके आसपास है, आसपास के लोग जो कह रहे हैं, उन्हें ज़रूर सुनिए और उनके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ढाल लीजिए। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, तो हरा रंग आपके लिए अच्छा है और खुद को थोड़ा सा दूसरों के हिसाब से ढालेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा और हेल्प भी मिलेगी। वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है, ये चैरियट का कार्ड आ रहा है। ये 7 नंबर का कार्ड है कि अगर आप चैरियट, जैसे हमारे बोलते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सफ़ेद और एक काला घोड़ा बना हुआ है, इसका मतलब होता है आप सही गलत में परख करने में बहुत अच्छे से सही गलत को आप परख लेते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ बोल रहा है अगर आप काम से कहीं निकलते हैं, घोड़े पर सवार होकर जैसे हम निकलते हैं, तो उससे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं अपने काम से, बिज़नेस से रिलेटेड, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जी, तो सक्सेस आपको मिलेगी और काम से रिलेटेड कुछ चाहते हैं तो वो आपका सफल भी होगा। धनु राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, जो धनु राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो धनु राशि के लिए बोल रहा है आज का जो दिन है, कोई आपसे नाराज़ हो सकते हैं, जैसे इन्होंने हाथ में इतनी तलवारें पकड़ी हुई हैं, दो लोग मुंह फेर के जा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि रिश्ते ख़राब हो रहे हैं या टूट रहे हैं, पर हाँ कुछ लोग आपसे नाराज़ ज़रूर हो सकते हैं। जो आपके करीबी हैं स्पेशली, उनसे आपको आज के दिन किसी तरीके की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो मन में उनकी बात पकड़ ले और उस चीज़ से आपको आगे जाके आपके रिश्तों में ऐसे थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए भी मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, तो ये तो धनु राशि आपकी बात हुई। मकर कुंभ मीन के लिए जानते हैं। मकर सबसे पहले आपके लिए। जी, जो मकर राशि है उनके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। तो मकर राशि के लिए यहाँ पे जैसे हमें दिल का कार्ड आ रहा है और 3 तलवारें चली हुई हैं, तो इसका हमारा हर्ट का कार्ड आ रहा है कि कोई बात है जो आपको बहुत दिल पे चोट लग सकती है, उसके सुन के आपको बुरा लग सकता है कि मैं, जैसे हम किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो बदले में नहीं करे तो हमें बुरा भी लग जाता है। तो कई बार जो है हमारी उम्मीदें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो पूरी ना हो तो बुरा लग सकता है। तो आज का जो दिन है, मैं बोलूँगी कि आपको हर बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई बात मजाक में कही गई है, हमें बस वहीं तक इसको सीमित रखना चाहिए। और जो भी बात है, जो भी आपको आज बुरा लग सकता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हम सबसे बना के चले तो अच्छा रहेगा। आपके लिए भी मैं बोलूँगी रेड कलर अच्छा रहेगा। जी, तो रेड कलर आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा डिस्टेंस आपको बना कर चलना है। और कुंभ राशि अब आपके लिए जानते हैं, आपको क्या कुछ खास करना है। जी, जो कुंभ राशि है उनके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। तो इन्होंने बोल रहा है कि इन्होंने बहुत सारे जो काम हैं वो ले लिए हैं और अकेले अब इन्हें करना पड़ रहा है। कि जैसे हम बोलेंगे कि बहुत सारे काम आपने सोचा था मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, तो अब इतने सारे, जहाँ पे हमें 7 नंबर का ये कार्ड आ रहा है कि 7 स्टिक्स यहाँ पे बनी हुई है, कितने सारे काम अकेले आपको करने पड़ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा बोल रहा है कि मानसिक परेशानियाँ आ सकती हैं, थोड़ा
स्ट्रेस हो सकता है चीज़ों को लेके कि मैं अकेले कैसे कर पाऊँगा, पर इसमें कार्ड्स में बोल रहा है अगर ये काम आपके हिस्से में लिखा हुआ है तो ये काम आप में क्षमता भी है कि आप अकेले कर ले, तो आप चिंता ना करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें खुद पे और आप एक एक करके सारे काम कर लेंगे। आपके लिए भी मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, हरा रंग आपके लिए अच्छा है और आपके काम भी बनते हुए आपको नज़र आएंगे। और आप बात कर लेते हैं मीन राशि आपकी। जी, जो मीन राशि के लोग हैं उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो मीन राशि के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है हमारा। ये 8 नंबर का कार्ड है हमारा, जो बोलता है स्टेबिलिटी का ही कार्ड है, पर बोल रहा है थोड़ा सा जो अभी आपके सामने परेशानियां आ रही हैं आप उसको देख के घबराइए नहीं। कहीं ना कहीं हम सोच के ही चीज़ों को घबरा ज़्यादा जाते हैं और वो बात इतनी बड़ी होती नहीं है। तो बोल रहा है थोड़ी सी पेशेंस रखिए, जैसे मुसीबत आई है वैसे ही मुसीबत खुद ही ना खुद ही टल जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आपके लिए भी मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, और संचिता जी राशि तो आपने बता दी, लेकिन अब आज का टिप आपसे लेना चाहेंगे, मंगलवार का दिन है, क्या कुछ खास टिप है दर्शकों के लिए? जैसे मंगलवार का दिन है, जो हमारा रूलिंग प्लैनेट मार्स जो हमारा मंगल ग्रह रहता है, तो ये जो ग्रह है ये हमारा ना हमेशा रास्तों में अड़चने लेकर आता है, ऑब्स्टिकल्स बना देता है। मतलब सीधा रास्ता होगा तो भी छोटे छोटे पहाड़ हमारे रास्ते में बना देता है। तो आज का जो दिन है वो आपकी टैरो टिप यही कहता है कि जैसे परेशानियाँ आती हैं वैसे इस समय का जो टाइम है आपको दान जरूर करना चाहिए। जो आप अपने हिसाब से दाल चावल दान कर सकते हैं, आलू पूरी दान कर सकते हैं, तो इस समय का जो समय है ये आपको दान जरूर करना चाहिए, जिससे हमें फायदा होगा। जी, तो आपको फ़ायदा होगा, उसके लिए आपको दान क्या करना है ये भी संचिता जी ने आपको बता दिया। और ये टिप आज का आपके लिए खास था, राशिफल आपको बताया, बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी जानकारी के लिए। नमस्ते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।